देख रहे हैं हमारा खास शो। आज बाद दिवाली से पहले बनने जा रहे महासंयोग की करेंगे। दिवाली 12 नवंबर को है, लेकिन उससे पहले एक नहीं कई महासंयोग बन रहे हैं। दीपावली की शाम को लक्ष्मी पूजा के वक्त 5 राजयोग रहेंगे। इनके साथ आयुष्मान, सौभाग्य और महालक्ष्मी योग भी बनेंगे। इस तरह 8 शुभ योगों में दीपावली आप मना सकेंगे। दीपावली पर शुभ योगों की ऐसी स्थिति पिछले 500 सालों में नहीं बनी। इतने शुभ संयोग बनने से ये लक्ष्मी पर्व सुख समृद्धि और फलदायी बना रहेगा, यानी ये दिवाली सौभाग्य राजयोग वाली है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि क्या है इन राजयोगों का महत्व, इनमें क्या लाभ होंगे, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में हमारे साथ मौजूद मेहमान ज्योतिषाचार्य बताएंगे। चलिए, जो दुर्लभ महायोग 500 सालों के बाद बन रहे हैं उसके बारे में और जानकारी लेते हैं हमारे ज्योतिषाचार्य संजय शर्मा से और सुमित्रा अग्रवाल से। सुमित्रा जी, ये जो 5 राजयोगों की बात हो रही है वो लक्ष्मी पूजा के वक्त हो रही है, तो पहले तो ये बताइए कि दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजा का वक्त क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त कौन सा है, और फिर कौन से 5 राजयोग जो है उसका लाभ जो है पूजन करने वालों को मिलेगा। सबसे पहले बोलना चाहूंगी, एक्चुअली क्या है, ये आज 6 तारीख से 12 तारीख तक तो लगातार कोई कोई योग है ही, और कुछ ना कुछ खरीदने के फायदे हैं वो बाद में बताऊंगी। सबसे पहले बताऊंगी, जैसे 11 नवंबर को 1:57 दोपहर से 12 नवंबर 2:44 तक हमारा रूप चतुर्दशी रहता है। तो चतुर्दशी में तो दिवाली नहीं मन सकती, हम जानते हैं अमावस्या होना चाहिए। तो 2:44 PM 12 नवंबर को बाद से अमावस्या लग जाती है। अगर बात करें छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, तो दोनों के लिए ही मुहूर्त एक्चुअली है 12 तारीख को ही, जब हम शाम को अगर पूजा करते हैं तो। और अगर स्पेसिफिक मुहूर्त की बात करें तो 12 नवंबर को दिवाली के पूजन के लिए सबसे अच्छा समय है शाम को 5:40 से 7:36 PM तक का, 1 घंटा करीब 54 मिनट जैसा। और अगर कोई प्रदोष काल में पूजा करना चाहता है तो उनके लिए 5:29 से 8:07 का समय अच्छा रहेगा। जो वृष लगन में करना चाहते हैं उनके लिए 5:40 से 7:36 तक का टाइम अच्छा रहेगा। काफी सारे लोग सिंह लगन में करते हैं तो 12:12 से 2:30 का रहेगा। बहुत जन चौबड़िया में करना चाहते हैं तो 1:26 से 2:47 का टाइम रहेगा। अगर बहुत जन शुभ अमृत चल मुहूर्त में अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए 5:29 से रात में करीब 10:30 तक का मुहूर्त रहेगा। और रात का अगर कोई मुहूर्त चाहते हैं तो 1:44 से 3:23 ये मुहूर्त रहेगी। खास बात ये रहती है कि हम कौन सी फोटो का पूजा करें या कौन सी मूर्ति का पूजा करें। तो हम जानते हैं लक्ष्मी जी की हम पूजा कर रहे हैं तो 2 प्रकार की लक्ष्मी जी हैं। मैंने काफी बार आपके कार्यक्रम में पहले बताया, एक होती है श्री रूप और दूसरा होती है जिसको लक्ष्मी रूप बोलते हैं। श्री रूप वो होती है जो स्वर्ग में जो जिन लोग जो उनकी साधना करते हैं वो है श्री रूप। उसमें आप देखिएगा कि माता कमल पर विराजमान है। और जो हमारे भौतिक जगत की अगर हमारे अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मुझे लक्ष्मी जी का रूप है वो विष्णु जी के साथ है जी। तो जब हम पूजा की बात करते हैं तो हम भगवान की कौन सी फोटो की पूजा करें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो लक्ष्मी जी निकली थी वो है धन की मेन देवी, तो हमें उनकी ही पूजा करनी है। तो दिवाली के दिन हमें लक्ष्मी जी की वैसी ही फोटो या प्रतिमा हमारे पास होनी चाहिए जो कि कमल पर बैठी हुई हो, उनके आसपास गणेश जी और सरस्वती जी हो, और हाथी आपने देखा होगा बहुत सारे फोटो में, दो तरफ हाथी है जिसमें हाथी का सूंड ऊपर की तरफ है, वो कलश पकड़े हुए और उनके हाथ से धन की वर्षा हो रही है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी के हाथ से भी एक हाथ में कलश है जहाँ से धन की वर्षा हो रही है। ये वाला मेन स्वरूप है जिसकी पूजा होनी चाहिए जी। अब जिनके पास ये नहीं है वो दूसरा स्वरूप यूज कर सकते हैं पूजा करते समय। अगर नहीं है तो मन में धारणा कर सकते हैं, जैसे आप स्टूडियो में बैठे हैं, मान लीजिए मुहूर्त के समय आप यही है तो क्या करेंगे, तो आप मन में धारणा करिए माँ का वो स्वरूप कि वो गरुड़ पर विष्णु भगवान के साथ बैठी हैं।
उस स्वरूप की जब आप आराधना करते हैं उस टाइप श्री शुभ का पाठ भी कर सकते हैं या ओम लक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो जी एक ये कर सकते हैं, दूसरा ओम कुबेराय नमः का भी जाप कर सकते हैं। एक चीज का खास ध्यान रखना है कि इस समय आप जब भी पूजा करें तो आपके फोटो में या मूर्ति में कहीं भी उल्लू नहीं होना चाहिए, आउल वो वाली प्रतिमा की पूजा बिल्कुल ही वर्जित है। और जी जैसे बताया मैंने 6 तारीख से 12 तारीख के बीच की बात करें, योगों की अगर बात करें तो जैसे 6 तारीख को आप जानते हैं गजकेश योग था, 7 तारीख को सुकर्तरी योग था, की बात करें तो इंद्र दामिनी और स्थिर योग है। तो अगर चीजों को खरीदने की बात करें तो आज के लिए अच्छा चीज है कि आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, कोई स्टेशनरी खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वो कर सकते हैं, या बिजनेस एक्सपेंशन चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी और सुमित्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल के लिए जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही। मुझे अनिया दीदी को दीजिए इजाजत, अभी आगे 12 बजे मिलते हैं लंच टाइम में।